सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम सीखेंगे आज गुणनखंड। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स प्लस सोलह, ठीक है। अब ये द्विघात बहुपद है और इसका हमें एक गुणनखंड निकालना है, ठीक है। द्विघात समीकरण भी आ सकता है और द्विघात बहुपद भी आ सकता है। यहाँ पे देखिए बराबर में इक्वल टू जीरो है तो वो समीकरण हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स प्लस सोलह है इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो जो तरीका है गुणनखंड करने का वो सेम ही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इसका जो व्यापक द्विघात बहुपद होता है उसका रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप को थोड़ा दिमाग में रखना है ताकि इसको करने में आपके इजी रहेगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जो एक्स स्क्वायर है यानी जो चर है, इस चर का गुणांक क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, आगे ए दिख रहा है, इस ए का गुणा करना है लास्ट वाले अचर पद से यानी सी से गुणा करना है, ठीक है। और इसकी तुलना करना है इससे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है मतलब एक है, राइट। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है मतलब क्या है, एक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है। इस एक का गुणा करूँगा मैं सबसे पहले किससे, सोलह से, राइट। तो देखिए एक का गुणा मैं सोलह से करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, सोलह। अब आपको क्या करना है कि 16 के ऐसे टुकड़े प्राप्त करना है, यानी ऐसे गुणनखंड प्राप्त करना है कि गुणा करने पर तो ये 16 आए और जोड़ने पर 8 आए। देखिए यहाँ पे प्लस है इसलिए जोड़ने पर लाना है, और 8 ही क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ बीच में 8 है, यानी x का गुणांक है वो आपको लाना है जोड़ने पर। यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, b, यानी वास्तव में आपको क्या लाना है यहाँ, 8। तो ऐसे टुकड़े कौन से हो जाएंगे, 4 और 4। देखिए 4 का गुणा मैं 4 से करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 16, और 4 और 4 को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 8। ये जोड़े आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को हल करेंगे, आपके जल्दी से आपको पता चल जाएगा। और कई ऐसे क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बताए हुए जिससे आप देख के समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 × 4 जोड़ा ले लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो बीच में ये 8x है इस 8x के स्थान पर ये आपको रखना है 4 और 4, ठीक है। अब किस ढंग से रख के इसको सॉल्व करना है, चलिए इसको करते हैं। मैं वापस इसको वास्तविक सवाल को उतारता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ओके। अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस ये जो 8x है उसके स्थान पर हमें क्या रखना है, 4 और 4। तो यहाँ 4x प्लस 4x, देखिए 8x के स्थान पर मैंने क्या रखा, 4x और 4x। x तो आई गई यहाँ पे जो भी है, जैसे y के रूप में भी आ सकता है आपके क्वेश्चंस, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकता है, यानी ABCD का कोई भी अक्षर आए आपको तरीका है वो वही रखना है। x है तो x लिखना है, y है तो y लिखना है। यहाँ पे देखिए x है तो x लिखा मैंने, अगर y होता 8y तो मैं लिखता 4y प्लस 4y, ठीक है। अब देखिए प्लस 16, अब आपको कुछ नहीं करना, दो दो संख्याओं में कॉमन लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक यानी दो पद हो गए, फिर दो पद ये हो गए, इन दोनों पदों में कॉमन संख्या लेके ब्रैकेट के बाहर लिखना है। कॉमन का अर्थ ये होता है कि आपको इन दोनों के अंदर देखना है कि कौन सी संख्या का दोनों में भाग जा रहा है। तो एक्स एक ऐसा पद है जिससे दोनों में भाग जा रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ, यहाँ एक्स है, यानी एक्स से मैं कॉमन ले लूँगा तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, एक्स प्लस, यहाँ से देखिए एक्स है वो बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 4, यानी पहले वाले दोनों पदों को सॉल्व कर दिया। अब इसकी बारी, देखो 4x प्लस 16, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए एक्स यहाँ पर है यहाँ नहीं है, इसका मतलब एक्स तो कॉमन आएगा नहीं, तो क्या कॉमन आएगा, 4 का भाग दोनों में जा रहा है, 4 का भाग यहाँ पर भी जा रहा है और 4 का भाग 16 में भी जा रहा है, तो यहाँ पे 4 है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस 4 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। हमेशा ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा समान होना चाहिए। अब देखो एक्स प्लस 4 है वो वापस कॉमन आएगा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पूरा एक पद और ये दूसरा पद, इन दोनों पदों में एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 4 दोनों में सेम है तो बाहर ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से एक्स फिर प्लस, यहाँ से ये प्लस का 4, यानी आपके जो गुणनखंड है वो निकल गए एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 4, ये आ गया आंसर।